हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता साहू सीजे में आपका स्वागत है। और आज मैं किचन में हूँ और शाम का समय है और मैं बना रही हूँ बड़े चावल दाल के। देख सकते हैं आप, देखिए चावल और बची हुई चावल का मैं बना रही हूँ। चावल का आटा से ही बनाती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि हमें जाना है जमशेदपुर JFC का मैच देखने, जिसके वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ बना के खा के। 7 बजे से मैच स्टार्ट होने वाला है, तो मैं जल्दी से 7 बजे से मैं निकल जाऊँगी और मैच हमारा 8 बजे से होगा। तो मुझे ड्रेस भी निकालना है जाने के लिए और फटाफट रेडी होना है क्योंकि जमशेदपुर का मैच देखने जा रही हूँ स्टेडियम। बहुत ही मज़ा आता है, तो देखते हैं, चलिए मिलते हैं थोड़ा देर बाद। तो देखिए मेरा बड़ा बन रहा है और कुछ बन गए हैं, इतना अच्छा चावल आटा का बड़ा है। तो चलिए खाते हैं, बेटा को देती हूँ और साथ साथ दोनों मिलके माँ बेटा खाएंगे। अभी आइए, वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते इसलिए नहीं दिखाती हूँ। चलिए आइए, पिसी हुई धनिया पत्ती की चटनी जिसके साथ मैं खाऊंगी मस्त झाल झाल। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए जमशेदपुर मैच देखने के लिए, फुटबॉल मैच। तो देखिए बस अब 10 मिनट में हम लोग निकलते हैं मैच देखने के लिए। कैसी लग रही हूँ? ठंड है इसलिए जैकेट पहनना पड़ गया, मैं तो कौन पहनना चाहता है। तो चलिए चलते हैं। क्या किया? उधर जाना बेटा। एक बार उधर से देख Thank you.
तुम बहुत वीआईपी है ना, बिलिंग टूट गया साथ वाला में देखना तो कराएगा। अच्छा आज भी बोले थे आप? आज बोले थे बस वाला कॉर्नर रोक देता ना मजा आ जाता। कितना भीड़ है बाप रे। लाइन बना के चल रहा कोई घूमेगा ही नहीं। अरे उसकी बुआ दीदी है, सिप्पू दीदी। सिप्पू दीदी, सिप्पू दीदी की दीदी है। अगर मेरी जीता ना तो मैं नाम बदलने के। हेलो गाइस, तो कल रात को मैं ज्यादा कल मैच देखने गई, उसके बाद आने के बाद मैं ज्यादा कुछ बना नहीं पाई क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और हमने बाहर ही खाना खा के उसके बाद आके सो गए, तो इसीलिए मैं और उसमें ज़्यादा नहीं खाई। आप तो देखे मैं मेरे ब्लॉग में देखेंगे बहुत ही भीड़ थी जिसके वजह से निकलते निकलते बहुत टाइम हो गया। तो दूसरा दिन सुबह हो गया जो मैं अभी उठ के काम करके मैं अपना ब्लॉग चालू कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चॉप, उसके लिए मैंने सारे चीज़ रेडी कर दिए हैं जो आप देखिए। उसके लिए मसाला मैंने रेडी कर दिया है, मसाला रेडी करके रख दी हूँ देखिए, और साथ ही इसका पाउडर का बिस्किट का मतलब बिस्किट का ये है पाउडर है जिसे वेजिटेबल चॉप में बनाऊंगी। और क्योंकि कल मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं उसके लिए मैं आज ही रेडी कर देती हूँ। तो चलिए बनाते हैं वेजिटेबल चॉप। तो देख रहे हैं मेरा वेजिटेबल चॉप बन रहा है और मैं फटाफट बना रही हूँ, देख रहे हैं कितने सारे बन गए हैं। अब इसे मैं फ्रीजर में रख दूंगी, अब सब मेरा बनते आ गए हैं तो चलिए फ्रिज में रखते हैं। पूरे 20 पीस बने हुए हैं, जब भी कोई गेस्ट आए आप इसे निकालिए और फ्राई कर दिए, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा चाहे गर्मी हो या ठंडा, जब मर्जी तब